सबके सहायक श्री हनुमान। दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान। भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान। श्री दीदी, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है, मेरे साथ खेलने चलोगी? मैं नहीं आऊंगी पवन। ठीक है पवन। क्या हुआ दीदी, क्या कभी तुम्हें हनुमान दिखाई दिया? हनुमान? हनुमान कौन? तुम क्या कह रहे हो पवन, हमारे साथ तो रोज आता है, मेरे साथ खेलता भी है। हनुमान नहीं जानते क्या, स्कूल तो हम दोनों ही जाते हैं ना, हमारे साथ तो कोई नहीं आता। ओहो, आप कभी कभी हवा में बातें करती हो, वो ही भूत आपका दोस्त है क्या हनुमान? वो भूत कैसे हुआ? और नहीं तो क्या, अगर आप उसे इंसान कहती हैं दीदी तो वो हमें दिखना चाहिए ना। आप तो हवा में बातें करती हैं, इसीलिए मैंने उसे भूत कहा। क्या हुआ बेटी, भूख लगी है क्या? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। एक दिन जब आप पूरी रात परेशान थी, मैं कहीं नहीं मिल रही थी, याद है ना? हाँ। सुबह मैं घर हनुमान के साथ आई थी, आपका हनुमान से परिचय भी करवाया था ना? हनुमान? कौन हनुमान? क्या कह रही हो माँ, उस दिन हनुमान से मिलवाया तो था ना? नहीं बेटी, उस दिन मुझे लगा कि तुम भगवान के बारे में बात कर रही हो, पर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा? तुम क्यों उस हादसे के बारे में इतना सोच रही हो, ये सब मत सोचो और भाई के साथ खेलो। Thank you.
पवन। बेटा पवन, सांप? कहाँ गया? कहाँ चला गया? हमारे बगीचे में सांप कैसे घुस आया? भगवान का लाख शुक्र कि सब ठीक है, वरना मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। बहुत भूख लग रही है लक्ष्मी जी। अरे लक्ष्मी जी, हाँ लक्ष्मी जी, आग लग गई है। ये आग कैसे लग गई? कहाँ खोई हुई थी आप? वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता।
तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारे यहाँ प्रवास दोष की वजह से तुम्हें सहारा देने वाले इस घर वालों की जिंदगी में आज के दिन तीन तरह की मुसीबतें आएंगी। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। करो, माँ, जल्दी, जल्दी करो। हाँ। पिताजी को उठाओ। जल्दी करो, जल्दी।